दोस्तों स्टडी 91 के करंट अफेयर की इस सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 14 जुलाई और आज के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है उस पर बातचीत करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस करंट अफेयर को पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, वहाँ जा करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ आप टेस्ट भी दे सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कल के क्वेश्चन ऑफ द डे पर। कल आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में आइसोलेक्स 19 अभ्यास मेजबानी किस देश ने किया है, उसका नाम बताना था आपको, या किसने किया है। इसके लिए जरूरी है दोस्तों कि आप यह बताइए कि आइसोलेक्स जो है यह होता क्या है। तो आइसोलेक्स का देखिए फुल फॉर्म यहां पे है कि आई माने हो जाता है इंटरनेशनल, क्या हो जाता है इंटरनेशनल, और यस ए जो दे रहा दोस्तों यस माने हो जाता है सिक्योरिटी, क्या हो जाता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी, और ए माने होता है अलायंस, ठीक है इंटरनेशनल सिक्योरिटी अलायंस, और लास्ट में जो ई एक्स लगा हुआ है इसका मतलब होता है एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये आइसोलेक्स जो है इसका मतलब हो गया इंटरनेशनल सिक्योरिटी अलायंस एक्सरसाइज, ठीक है। और इसका आयोजन जो किया गया था ये हुआ था अबू धाबी में। अबू धाबी कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है यूएई में, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है ये वहाँ पर पड़ता है। और वहाँ की जो मुद्रा है वो है दिरहम, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा ये क्यों किया गया वहाँ पर, तो याद रखिए एक तरह का इंटरनेशनल सिक्योरिटी अलायंस है, मतलब सिक्योरिटी के मुद्दे को लेकर के एक अलायंस बनाया गया है, ठीक है। और उसमें बहुत सारे देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि सिक्योरिटी जो है वो मजबूत हो सके, ठीक है। तो ये इसकी चीज़ें थी, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब आज के 10 क्वेश्चन की सीरीज पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है। इस तरह के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछते रहते हैं, और यहाँ पर खास करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन गया है क्योंकि प्रवासी भारतीय मामलों का जो सचिव नियुक्त किया गया है वो किया गया है विकास स्वरूप का। दोस्तों एक चीज और मैं बताना चाहूंगा इनके बारे में, इनकी नियुक्ति अभी मतलब इनको रख चुन तो लिया गया, लेकिन इनकी जो नियुक्ति होगी वो प्रभावी होगी 1 अगस्त से। ये थोड़ा सा आप फोकस करेगा क्योंकि जब 1 अगस्त आएगा तो ये प्रश्न फिर से एक बार आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। 1 अगस्त 2019 से इनकी नियुक्ति क्या होगी, प्रभावी होगी। फिलहाल के लिए विकास स्वरूप को प्रवासी भारतीय मामलों का सचिव चुन लिया गया है। दोस्तों कुछ समय पहले ये फेमस भी हुए थे, ठीक है। अच्छा फेमस क्यों हुए थे, इन्होंने एक बुक लिखा था क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है, और उस पुस्तक पर दोस्तों एक मूवी भी बनी थी, बहुत फेमस मूवी थी। पहली बार भारत को ऑस्कर मिला था उस मूवी पर, स्लम डॉग मिलेनियर, ठीक है। ये इन्हीं की लिखी हुई किताब के ऊपर बनाई गई थी ये मूवी, ठीक है, इसको ध्यान देंगे। साथ ही साथ जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्यों, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे और उसी वजह से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो विकास स्वरूप को जरूर याद रखेगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में ऑपरेशन थ्रस्ट किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया। देखो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो ऑपरेशन थ्रस्ट था ना ये लॉन्च किया गया है आरपीएफ के द्वारा। आरपीएफ मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है, आरपीएफ जो आप देखते हैं, ठीक है, ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स उसके द्वारा किया गया है। अभी दोस्तों अगर रेलवे की बात करूं ना तो आपने रेल नीर का नाम सुना होगा, ठीक है, ये जो है रेल नीर जो है ये IRCTC के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है, और IRCTC जो है ये रेलवे के अंडर में एक अंडरटेकिंग कंपनी है, ठीक है, तो ये रेल नीर चलती है। लेकिन अभी हाल ही में पता चला है, सूचना मिली है कि अनाधिकृत रूप से यानी अनऑफिशियल तरीके से कुछ पेयजल को पैक करके बेचा जा रहा है। तो ये आरपीएफ जो है ये इस ऑपरेशन के तरफ ऐसे सामानों को चिन्हित करेगी जो अनऑफिशियली जो है बेचे जाते हैं, खास करके वो जो पैकेज्ड पेयजल होंगे उनके ऊपर ये काम चला है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और ये दायित्व तो दिया गया आरपीएफ को, ठीक है, और इस प्रोग्राम का नाम क्या है, ऑपरेशन थ्रस्ट नाम है, ठीक है। देखिए यहाँ पर और भी सारे टॉपिक दे रहा है, कह रहा है यह ऑपरेशन 8 से 9 जुलाई को चलाया गया, और आरपीएफ मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है, इसकी स्थापना 27 जुलाई 1984 को हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला दे रहा है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 2019 वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया है, ठीक है। देखिए जारी कौन किया आपको ये बताना है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको जारी किया UNDP ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, ये उसके द्वारा जारी किया गया है। और इसमें एक आंकड़ा आया कि भारत में 2006 से लेकर के 2016 के बीच में, ठीक है,
271 मिलियन कितना 271 मिलियन जो लोग थे वो निर्धनता की श्रेणी से बाहर आए हैं। इसको आप ध्यान देंगे ठीक, ये वाला डेटा आपका 271 मिलियन ठीक है, इतने लोग जो है निर्धनता की श्रेणी से बाहर आए हैं, जो कि 2005 से 6 के बीच में 74.9 थी और 15 से 16 के बीच में 46.5 थी, आप इसको याद रखिएगा। और देखिए एक और आंकड़ा यहाँ पर दे रहा है कि भारत का झारखंड राज्य बहुआयामी गरीबी को सबसे तेजी से हटाने वाला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हायाबुसा टू स्पेस क्राफ्ट किस देश से संबंधित है। दोस्तों कुछ दिन पहले यह क्वेश्चन हमारे सामने आया था, हालांकि उस समय हमें यह पता चला था कि जापान जो है अपनी एक सैटेलाइट एक क्षुद्र ग्रह पर उतारने वाला है, जिस क्षुद्र ग्रह का नाम था र युगु, आपको पढ़ाया भी गया होगा र युगु ठीक है। तो ये जापान यहां पर अपनी एक सैटेलाइट भेज रहा था और वो जिसके माध्यम से भेज रहा था वो क्या था, वो उसका नाम था हायाबुसा 2। तो याद रखिएगा हायाबुसा 2 का संबंध किससे है, तो यह जापान से संबंधित है और इसने रुयुगु क्षुद्र ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया भी हाल ही में हायाबुसा 2, इसलिए जो है चर्चा में चल रहा है ठीक है। अच्छा कब पहुंचा था वहां पर, तो 27 जून 2018 को वहां पे पहुंचा था, दिसंबर 2020 तक वो पृथ्वी पर वापस सैंपल लेकर लौटेगा ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी और अभी आपको दे रहा है, देखिए कह रहा है कि ये रियुगु वाला बात मैंने बताई थी आपको, 27 जून का सारा कहानी आप समझ ही गए हैं। कह रहा है यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से लगभग 300 मिलियन किलोमीटर की दूर पर स्थित है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि विश्व बैंक की प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। पूछो क्यों दोस्तों, इसलिए कि अभी तक कभी भी वर्ल्ड बैंक ने किसी महिला को अपने यहाँ मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि नियुक्त किया गया, इसका मतलब इम्पॉर्टेंट है। याद रखिए उनका नाम है अंशुला कांत, क्या नाम है, अंशुला कांत ठीक है। ये अंशुला कांत जो है ये विश्व बैंक की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी होने वाली हैं ठीक है। और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1944 में, और कहाँ पर, वाशिंगटन डीसी में, ये सारी कहानी आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। अगला दे रहा है कि किस मंत्रालय द्वारा लक्ष्य कार्यक्रम की शुरुआत किया गया, जो लक्ष्य कार्यक्रम है इसको किसने स्टार्ट किया है ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, इसको शुरू किया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने, किसने, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। और इसका उद्देश्य क्या है, तो ये उद्देश्य है कि जो प्रसूति गृह होते हैं, मतलब जहाँ पे महिलाओं का ऑपरेशन के थ्रू बच्चा पैदा किया जाता है ठीक है, या फिर उनको बच्चा होता है प्रसूति गृह, और जो प्रसूति ऑपरेशन होता है, जो डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं उसका जो कक्ष होता है, उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यक्रम लॉन्च किया गया है ठीक है। ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लक्ष्य प्रोग्राम उसी के लिए लॉन्च किया गया है ठीक है, जिसको आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि चंद्रयान 2, ये देखिए कई बार आपके सामने आ चुका प्रश्न ठीक है, चंद्रयान 2 ये कब प्रक्षेपित होने वाला है, क्योंकि भारत भेज रहा है चंद्रयान 2, इसके पहले भारत चंद्रयान 1 भी कर चुका है और चंद्रयान 2 अब निश्चित रूप से सफल रहेगा ऐसी कामना कीजिए। 15 जुलाई को ये चंद्रयान 2 लॉन्च होने वाला है और ये चंद्रयान 2 ध्यान दीजिएगा, ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड होने वाला है। कहां पर लैंड होगा जाके, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, और किस व्हीकल से भेजा जाएगा ये भी आप याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। GSLV Mark 3 इसका नाम है, क्या नाम है, GSLV Mark 3, जिसके थ्रू ये भेजा जाएगा ठीक है, और 6 या 7 सितंबर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रमंडल देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक संपन्न, यहाँ न रहेगा ऐसे कि विदेश मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई, आपको बताना है कहाँ पर संपन्न हुआ है। दोस्तों यह प्रोग्राम हुआ है लंदन में ठीक है, और भारत की तरफ से भी, भारत के जो विदेश मंत्री हैं, क्या नाम है, यस जयशंकर ने भी इसमें हिस्सा लिया है। और राष्ट्रमंडल में अभी टोटल देशों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 52 है, याद रखिएगा ठीक है, 52 देश हैं, ये आप याद रखेंगे ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा हाल ही में किस देश से आने वाली वस्तुओं पर 200% का टैक्स लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। दोस्तों अभी आपने पिछले साल देखा होगा 14 फरवरी ठीक है, उस दिन दोस्तों पुलवामा में एक हमला हुआ था, बहुत बड़ा हमला था, उसमें बहुत सारे CRPF के जवान मारे गए थे। उसके बाद से भारत ने एक्शन लेते हुए पाकिस्तान से MSN का जो दर्जा था वो भी वापस ले लिया, और पाकिस्तान में जो सामान वहाँ से आता था, मतलब वो पाकिस्तान जो हमारे देश को भेजता था, मतलब या तो हम इम्पोर्ट करते थे या तो वो एक्सपोर्ट करते
करता था और उस पर 200% का टैक्स लगा दिया गया था। तो ये आप याद रखिएगा, अब इस चीज़ को एक प्रस्ताव के रूप में ठीक है पारित कर दिया गया, 200% टैक्स लगाने का प्रस्ताव जो भारत ने पारित किया है ठीक है। ये किस देश से आने वाली वस्तुओं को लेकर के, तो ये पाकिस्तान से, इसको आप ध्यान में रखिएगा ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दे रहा है कि केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना में रामायण सर्किट के तहत कितने राज्यों को चिह्नित किया है। दोस्तों ऐसे तो आपसे एग्जाम में देखिए दो चीज़ें पूछ सकता है, या तो राज्य पूछ सकता है या तो आपसे स्थान पूछ सकता है। तो याद रखिएगा कुल राज्य जो हैं उनकी संख्या 9 है। कितनी है? 9। 9 राज्य से चिन्हित किया गया और 15 स्थान चिन्हित किया गया ठीक है। स्थानों की संख्या कितनी है? 15 है, राज्यों की संख्या 9 है। दोनों बातें आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आपसे पूछ सकता है ठीक है। चलिए ये चीज़ें थी, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो पिछले डे में हम लोगों ने करंट अफेयर पढ़ा। पिछले डे में हम लोगों ने पढ़ा था कि विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो हर वर्ष 11 जुलाई को, 1 और 11 ठीक है, आप याद रखिएगा इस दिन मनाया जाता है जनसंख्या दिवस। अगला दे रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश को खसरा मुक्त घोषित किया है। तो श्रीलंका को खसरा मुक्त घोषित किया है WHO ने, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने ठीक है। अगला देखिए, करा हाल ही में किस कंपनी ने देश की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी कार लॉन्च किया है। तो हुंडई ने लॉन्च किया है पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी कार ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने एमजी हेक्टर का नाम सुना था जो कि एक डिजिटल कार के रूप में है। आगे देखिए, हाल ही में मिसेस यूनिवर्स ठीक है, मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता है? नाम है नीमा पंत ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, लखनऊ से हैं ये। आगे दे रहा, हाल ही में किस देश ने 2020 तक हवाई जहाज के टिकटों पर यौन टैक्स लगाने का फैसला किया है? तो ऐसा करने वाला फ्रांस जो है ये पहला देश बन गया जो कि यौन टैक्स लगाएगा। आगे है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे महंगे कार्यालय स्थान में कनॉट प्लेस कौन से स्थान पर है? दिल्ली में पड़ता है आपका कनॉट प्लेस ठीक है, और ये 9वें स्थान पर है जो कि बहुत महंगा है। आगे बढ़ते हैं, अगला दे रहा है कि हाल ही में समर यूनिवर्सिटी गेम्स में किसने स्वर्ण पदक जीता है? उनका नाम है दुती चंद ठीक है, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। 2020 में विश्व विरासत समिति के अगले सत्र की मेजबानी करने वाला है, चाइना करने वाला है दोस्तों, इसको भी याद रखेगा। और देख लीजिए, हाल ही में दूसरी भारत रूस सामरिक आर्थिक वार्ता कहां पर हुई है? नई दिल्ली में हुई है। अगला है, हाल ही में किस देश ने 33 उपग्रहों के साथ सोयूज रॉकेट लॉन्च किया है? तो दोस्तों रूस ने एक साथ जो है 33 सैटेलाइट के साथ सोयूज रॉकेट लॉन्च किया है, ये आप याद रखेंगे 10 क्वेश्चन। अब ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 200 करोड़ का एक एंटी टैंक मिसाइल का समझौता किया है? किसका एंटी टैंक मिसाइल का समझौता किया आपको बताना है ठीक है। चलिए इसी के साथ दोस्तों सीरीज होती समाप्त। उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।